हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ चाइनीज बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। सो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसे अब मैरिनेट करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 अंडा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे तक मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा और 1/2 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन पीसेस को इसमें डाल के अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इससे हमारा चिकन जो है बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। ऐसे ही करके सारा चिकन पीसेस को कोट कर लेंगे और अलग से रख देंगे। चिकन को फ्राई कर लेंगे लो मीडियम हीट पे, जब तक ना ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन को आप ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हो, कोई भी चटनी या सॉस के साथ। यहाँ पे हमारा चिकन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसको अलग करके रख देंगे। अब बनाएंगे मेन प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल दे दिया है। यहाँ पे अब ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन। हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे क्यूब किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज, इसको भी कुछ देर तक फ्राई करेंगे। सो इसमें आप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 4 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और 2 कप पानी डाल देंगे। 2-3 मिनट्स तक इसको बॉईल करेंगे। हमारा ग्रेवी रेडी हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। बस अब इसको अच्छी तरह से मिला देना है। 1-2 मिनट्स तक इसको कुक करेंगे। बस हमारा यम्मी सा चिली चिकन रेडी हो चुका है। तो इसे सर्व कीजिए रोटी, नान या फ्राइड राइस के साथ। वो बंगाली में कहते हैं ना, एकदम जमे खीर, वैसे ही आपका विंटर पार्टी एकदम से जम जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा।